Namaskar. In today's program, we have for you a dance drama, Avatar, in the classic Indian style of dance, Kathak. This dance drama has been a unique feature as it is a visual representation of a literary composition. The poetry has been penned by a famous poet, Utprant, who has created a stir in the literary community. The dance drama begins with Lord Shiva immersed in deep penance, which is disturbed by Ravana's devotion when he starts sacrificing his own head. Bhumi Devi is in a state of chaos. She prays to Lord Vishnu, who assures her that he, in his human incarnation of Rama, will destroy Ravana. But he now says, "You must start meditating to Shiva." Lord Shiva understands the situation. He invokes Shakti and tells her, "Now is the time to destroy Ravana. It will be the 11th Rudra of mine who will be the form of Hanuman and will be a great devotee of Lord Rama on earth. Together they will destroy Ravana." Bhumi Devi rejoices as she awaits this incarnation by which Dharma would again prevail on earth. The choreography of this dance drama has been done by Guru Jitendra Maharaj, an exponent of the Banaras Gharana. Guruji is a great devotee of Lord Shiva, and his inspiration from Lord Shiva has taken him to perform in Kailash Mansarovar, where he connected the dance form with the Vedas. His senior disciples, Nalini and Kamalini, will be the main dancers in the dance ballet. Music has been composed by Iqbal Ahmed Khan. We present Rudra Avatar. Namaskar. Rudra Avatar. Ye naam hai hamari aaj ki nritya natika ka. Kathak nritya shaili se saji ye nritya natika, Hindi ke varishth kavi Shri Utprant ki lambi kavita par aadharit hai. रावण भगवान शिव का अनन्य भक्त था। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने शीश भगवान शिव को भेंट किए थे। भगवान शिव ने प्रसन्न हो उसे अमरता का वरदान दिया, पर इस वरदान की शक्ति के दंभ में रावण पृथ्वी पर अत्याचार करने लगा। ऐसी दशा में भूमि देवी रावण के अत्याचारों से स्वयं को बचाने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करती हैं। भगवान विष्णु भूमि देवी को विश्वास दिलाते हैं और कहते हैं कि वे शीघ्र ही दशरथ पुत्र के रूप में स्वयं धरती पर अवतरित होंगे और भूमि देवी को रावण के अत्याचारों से मुक्त करेंगे। पर अभी भूमि देवी भगवान शिव का ध्यान करें। वहीं दूसरी ओर भगवान शिव रावण के अत्याचारों को समाधि की अवस्था में देख विचलित होते हैं और उनका ध्यान भंग हो जाता है। वे महाशक्ति का आवाहन करते हैं और उनसे कहते हैं कि वे अपने एकादशवें अंश का सृजन करेंगे, जो हनुमान के रूप में प्रसिद्ध होंगे। वे हर असंभव को संभव में बदल देंगे और उनके स्वामी की रावण के वध में मदद भी करेंगे। ये सुन महाशक्ति प्रसन्न होती हैं और भगवान शिव को आश्वस्त करती हैं कि वे भी श्री हनुमान को भक्ति और शक्ति से संपन्न करेंगी। इतना कह महाशक्ति भगवान शिव में लीन हो जाती हैं और भूमि देवी अपने सुखद भविष्य की प्रतीक्षा करने लगती हैं। इस नृत्य नाटिका का नृत्य निर्देशन किया है बनारस घराने के सुप्रसिद्ध गुरु श्री जितेंद्र महाराज जी ने। संगीत दिया है इकबाल अहमद खान ने और नृत्य नाटिका की मुख्य भूमिकाओं में हैं नलिनी और कमलिनी। तो प्रस्तुत है नृत्य नाटिका रुद्रावतार। Thank you.
Oh.
मस्तक पर गंग चंद्र शोभित, कंठ में हलाहल को धारे, आंखें ज्यों दहके अंगारे, देख प्रवाहित होते सच का श्रोणित, शिव के मस्तक पर गंग चंद्र शोभित। Thank you.
दश आनन के पापों का बोझ बढ़ा, धारण करके गौ का बाना, पृथ्वी ने देवी व्रत ठाना, तपलीन हुई हर प्रिय को अर्घ्य चढ़ा। भवद्भव्यभूतेश्वरं
क्षण में अंतर लय, पृथ्वी ने शिव तप शुरू किया। घटनाक्रम शिव ने जान लिया, दे दिया अभय, वे जो हैं मृत्युंजय। श्री विष्णु हुए फिर क्षण में अंतर लय, फिर ध्यान किया हरि का हरि के प्रिय ने। आराधक मैं आराध्य तुम ही, छल सकते हो प्रभु मुझे नहीं। अमरत्व दिया तब भक्ति के अमीय ने, फिर ध्यान किया हरि का हरि के प्रिय ने। विश्वाधार
सदृशं मे गवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं यो रूप तुम करो राज बन हृदय भूप मैं भी आता सेवा हित बन वानर रावण ने मुझसे अतुल शक्ति पाई पर यदि वह अहंकार में भर उच्छृंखल करता है निज स्वर तो पड़ेगी मृत्यु रागिनी सुनाई रावण ने मुझसे अतुल शक्ति पाई मैं संहारक हूँ इस जग का लेकिन दशकंधर को मार न सकता निज मस्तक काट काट रखता वह सहस्रलोचन प्रभृत्य शेष लेख शेखर असून धूलि धोरणी विदूषरांग्रि पीठभू
राजमाल या निबद्ध जाट जूटक चिराय जायतां चकोर बंधु शेखर सुस्मरण किया वामांग शक्ति का फिर मां शक्ति शीघ्र ही प्रकट हुई शिव की चिंता थी छुई मुई है धर्म च्युत हुआ धरा पर दश गंधर सुस्मरण किया वामांग शक्ति का फिर स्वभक्त वत्सले नगे सदा पवर्ग भोग दे दरिद्र दुख हारिणी त्रिलोक शंकरेश्वरी भवानी भीम अंबिके प्रचंड तेज उज्ज्वले भुजा कलाप मंडिते नमो सुते महेश्वरी भुजा कलाप मंडिते नमो सुते महेश्वरी होंगे विष्णु वहां धरणी को अन्य मुक्त करने मर्यादा को सत्से वरने होवेगी परम ज्योति प्रज्वलित जहां देवी सृजित कर रहा मैं अपना अंश आराध्य देव के चरणों में अंतस से फूटी किरणों में मानस सरोवर का जो उज्ज्वल हंस देवी सृजित कर रहा मैं अपना अंश यह रही कामना करूं सदा सेवा यह अवसर आया है सुंदर प्राणों में झरते रस निर्झर मुझको न कहो अब देवी महादेवा यह रही कामना करूं सदा सेवा दश देव्यांशों से हुआ प्रस्फुटित मैं एकादश रुद्र अतुल होगा भूमंडल का संबल होगा कर उसे सृजित हो सकूंगा सृजित मैं दश देव्यांशों से हुआ प्रस्फुटित मैं वह अनुपम बाल ब्रह्मचारी होगा आराध्य देव की सेवा हित वह योगी होगा इंद्रिय जित वह जरा मरण जित अविकारी होगा जो सभी साध्य कार्य होंगे प्रभु के वह उन्हें करेगा सहज रूप कांपेंगे उससे धनुज भूप आशीष चलेगा लेकर वह सबके मेरे समान ही जग उसका सदारिणी होगा मारुत सुत हनुमान कहलाएगा गा
रावण का पतन शीघ्र प्रभु कर देंगे, लेकिन पग पग पर क्षण क्षण में आएंगे हनुमान स्मरण में, नभ को प्रभु की जय श्री से भर देंगे। रावण का पतन शीघ्र प्रभु कर देंगे। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। एकादश रुद्र रूप का परिकल्पन प्रभु की लीला हित करता हूँ, नव शाश्वत रंग अब भरता हूँ, बिंबित आदर्श करे ऐसा दर्पण। मैं शिव हूँ वह शिव दशरुद्रों को भेंट चुका, इसलिए अवध्य हुआ मुझसे, परलिप्त अनय में है कब से, वह अपना भाग्य स्वयं ही मेट चुका। रावण शिर दशरुद्रों को भेंट चुका, एकादश रुद्र नहीं उससे पूजित, प्रभु कार्य निमित्त रुद्र जिस क्षण अपमानित होगा तब रावण मेरे प्रभु के हाथों होगा दंडित। एकादश रुद्र नहीं उससे पूजित। Thank you.
da 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 da